तो भाई ये देख सकते हैं, ये हमारे इधर के रौनक है, वर्कशॉप की साइड की जो है हमारी रौनक खड़ी है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। हाँ, ये बेचारा ना बोल सकता है ना सुन सकता है, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे साथ आकर शुगर मेरा करता रहता है। नाज़रीन को दिखाओ ना, करीब लाके दिखाओ ना इसको, वो देखो अजूबा दुनिया का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंजन रूम तैयार हो चुका है, ठीक है, और ये वाली साइड आप देख सकते हैं, और जो शराड वाला प्रोजेक्ट ठंडा शराड वाला जो कि इंजन रूम के काम होने के लिए हमारे पास आई थी, उसका भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू देते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो ये बनी हुई है, लायरिंग वगैरह आप इसके देख सकते हैं, ये तमाम पीसेस आप देख सकते हैं। ये वाला पीस जो है थोड़ा सा सेट किया है हमने, ठीक है, ये साइड आप देख सकते हैं कि ये सेट किया हमने, ये पीस आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें सिविक का इंजन लगा है 2000 सीसी, और ये डबल देख सकते हैं आप, कंप्लीट कर दिया। और हो सकते हैं इसके जो डोर्स हैं वो हम लेम्बो की तरह, लेम्बो किट नहीं होती वो लगाएं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ऑटो पार्ट्स वाले से हम अजीज एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है। आज के दिन जो है हम विजिट करने वाले हैं अपनी डेंटिंग की वर्कशॉप की, वहां से जो है हमें कुछ सामान वगैरह भी उठाना था प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि हमें तैयार करवाना है, और इसके अलावा आज हमारी दूसरी जो वर्कशॉप्स होती है इंजन की शॉप और मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन की वर्कशॉप जो होती है हमारी बंद होती है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको आज डेंटिंग की जो वर्कशॉप है उसका कम्प्लीट रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू करा दिया जाए, और जो सामान वगैरह है साथ साथ एक व्लॉग भी हो जाएगा, कॉन्टेंट भी बन जाएगा। तो अभी जो हम निकल चुके हैं वर्कशॉप की तरफ डेंटिंग वाली जो कि नया नजमाबाद पर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह के टाइम जो आज मजबूरन उठना पड़ा है, सोए भी जो है फजर की नमाज पढ़ गए थे, आंखें आप देख सकते हैं, लेकिन मजबूरन जो है काम निपटाने के लिए उठना पड़ता है, संडे वाले दिन आज ऑफ होता है, बट जो है आपको पता है आगे 2 दिन बाकी रह गए ईद आने में, तो काम निपटाना भी आज जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, महावीर साहब हमारे साथ मौजूद है, ठीक हो, तो अभी जो है वर्कशॉप पर पहुंच कर फिर इंशाल्लाह आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करते हैं, ओवरऑल जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स आ गए थे कंप्लीट रिव्यू देते हैं, और क्या क्या सामान जो है हमें बनवाना है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी फाइनली वर्कशॉप पर जो है पहुंच चुके हैं, 1, 2, 3 और पीछे एक अंडर शराड वाला प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है जिसके अंदर इंजन रूम का काम होने के लिए आया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा मेरा जो गाड़ी है वो पार्किंग के अंदर खड़ी की हुई है इंशाल्लाह, वो भी जो है आपको दिखाएंगे। तो फाइनली वर्कशॉप पर पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह, अभी सुल्तान भाई यार उन्हें फोन कर दिया है, वो एक तो माशाल्लाह से टाइमिंग के बहुत अच्छे खैर रमजान की टाइमिंग आउट होती है, मजाक कर रहा हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ शॉप खुलने का, हम पहले ही आ जाते हैं, आई थिंक वी आर रॉन्ग, जो भी है इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लेमुद्दीन वाला प्रोजेक्ट जिसकी डिटेल वीडियो आपको मिल गई है, सेकंड ये मेहरान वाला हमारा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, और थर्ड आ गया हमारा खैबर वाला प्रोजेक्ट, फोर्थ आ गया हमारा अंडर शराइट वाला प्रोजेक्ट, और मीरा वाला जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने पार्किंग के अंदर खड़ा किया हुआ, तो भी जो है सुल्तान भाई आते हैं तो थोड़ा बार बार निकल के फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल शेयर करते हैं। ये है वर्कशॉप वगैरह हमने खुलवा ली है, तो अब टाइम है आपको गाड़ियों की रिव्यू देने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा FX लेमोजिन वाला प्रोजेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लंबा काम है, काफ़ी टाइम तो वैसे इसको हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह इसका जो काम है वो हम करेंगे ईद के बाद, ठीक है। अच्छा, जो आप देख सकते हैं कि इंजन रूम में इसके काम है और कुछ जो है इसकी बॉडी वगैरह में काम रह गया है, ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है और ये आ गया हमारा मेहरान वाला प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने ऑल्टो का डैशबोर्ड फिट करना था, तो इंशाल्लाह हो सकता है रमज़ान के अंदर ही, मतलब 2-3 दिन बाकी रह गए इनके अंदर, या फिर ईद के बाद इंशाल्लाह इसका फर्स्ट काम जो करेंगे वो डैशबोर्ड का करेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी जो है तकरीबन 80% का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बॉडी वगैरह आप देख सकते हैं कि अपने फ्रेम में आ चुके हैं, दरवाजे वगैरह देख सकते हैं। सुल्तान भाई, इसमें तकरीबन 80% तक का काम हो गया है ना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो साइडें सेट करनी है, ठीक है, बम्पर और डैशबोर्ड, ठीक है भाई, ठीक है, डैशबोर्ड वाला आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, इसके अलावा खैबर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कम्प्लीटली जो है अस्तर फाइनल अस्तर की तरफ भेजना है अभी से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसे ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो है इसकी छत वगैरह करके हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंजन रूम तो आपने देख लिया था, इसका एपिसोड जो है रिसेंटली अपलोड किया है, नीचे जाकर आप देख सकते हैं खैबर रेस्टोरेशन एपिसोड नंबर 3। इंजन रूम फिर भी आपको एक दफ़ा इसका दिखा देते हैं, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जेनिन की तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंजन रूम तैयार हो चुका है, ठीक है, और ये वाली साइड आप देख सकते हैं, और जो शराड वाला प्रोजेक्ट ठंडा शराड वाला जो कि इंजन रूम के काम होने के लिए हमारे पास आई थी, उसका भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू देते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो ये बनी हुई है, लायरिंग वगैरह आप इसके देख सकते हैं, ये तमाम पीसेस आप देख सकते हैं, ये वाला पीस जो है थोड़ा सा सेट किया है हमने, ठीक है, ये साइड आप देख सकते हैं कि ये सेट किया हमने, ये पीस आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें सिविक का इंजन लगा है 2000 सीसी, और ये डबल देख सकते हैं आप,
ये चीजें हमने सेट की है इसके अंदर। यहाँ से गली भी थी सुल्तान भाई, माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी बनी हुई अंडर शेराड यार। ये गाड़ी इंशाल्लाह हमें भी तैयार करनी है। ये गाड़ी जो है आप इसके अंदर कोई सा भी इंजन डाल दो परवाह नहीं, एक गाड़ी का लुक भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। तो माशाल्लाह ये आप गाड़ी देख सकते हैं कि टू डोर गाड़ी बनी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारा इंजन रूम का काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया, और हो सकता है इसके जो डोर्स हैं वो हम लेम्बो की तरह लेम्बो कितनी होती वो लगाएं, लेकिन अभी फिलहाल उसका इरादा नहीं है। इंशाल्लाह हुआ तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ईद के बाद ही करेंगे फिर इंशाल्लाह काम ना। तो बस ये इसके अंदर ये काम किया, और एक ये वाला पीस इसके अंदर सेट किया है, ठीक है। अब आगे जो है आपको मीरा वाला प्रोजेक्ट दिखा देते हैं कि मीरा वाले प्रोजेक्ट के अंदर कितना काम हो गया है। तो फिलहाल अभी यही है हमारी डेंटिंग की वर्कशॉप, ठीक है। बाकी जहां पर हमारा इंजन के पार्ट्स वगैरह सेल होते हैं वो अलग शॉप है हमारी, और जहां पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन की फिटिंग्स वगैरह और इंजन की ऑल्टरेशन वगैरह होती है वो अलग शॉप है हमारी। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको वहां का भी विजिट कराएंगे एक दफा। तो अभी जो है मीरा की तरफ चलते हैं, मीरा क्योंकि पार्किंग में खड़ी हुई, फिर वहां पर जाकर आपको उसके अपडेट देते हैं। यहाँ के पीसेस भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है इसके अंदर हमने सेट किए हैं, ठीक है। ये पीसेस आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है गाड़ी का इंजन रूम जिस जगह पे आपको नजर आ रहा है कंप्लीट जो है यहाँ से फटा हुआ था, गले हुए थे, ठीक है। तो बस अभी जो है ये गाड़ी कंप्लीट है, ये देखें, ठीक है। ये वाला पीस देखें, ये वाली गाड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी इंजन के लिए जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसके अंदर जो है लेम्बो किट्स डोर जो है वो इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मीरा जो है अभी हमने गोदाम से मंगवा ली, इंशाल्लाह वो आती है तो आपको उसकी भी अपडेट देते हैं। तो भाई ये मीरा भी जो है आ चुकी है, मीरा की सिचुएशन कुछ इस तरह है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जो अच्छा खासा काम चल रहा है इंशाल्लाह, और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम पीसी जो इसके अंदर लगा दिए हैं, मतलब इसके अंदर जेडियन गाड़ी के अंदर काम हो रहा है। थोड़ी सी जो है डोर्स वगैरह इसके गले हुए थे, इसकी वीडियो भी कोई अपलोड नहीं की, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगी, उसमें आप देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए यही प्रोजेक्ट जो है हमारी डेंटिंग की वर्कशॉप पर खड़े हुए, और इंशाल्लाह बाकी प्रोजेक्ट जो आपके लिए रमजान के बाद लाएंगे, रमजान की वजह से भी हमने काम रोक दिया था, क्या बोलते हैं सुल्तान भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो है इसकी जो हेडलाइट्स और बैकलाइट्स हमारा मेन काम वो था, क्योंकि उसको रिपेयर करवाना है, उसको आज देकर आएंगे, फिर इंशाल्लाह आज तो हमारा छुट्टी का दिन है। सुल्तान भाई आज क्या काम करने का इरादा? फिर आज यार मीरा को मीरा में काम करेंगे, और ये फेबर में थोड़ा बहुत, और मेहरान में। अब तो 2-3 दिन बाकी रहेगा, मीरा तो कम्प्लीट करनी है हमें इससे पहले। तो बस इसमें तरपाई का काम है, बाकी वेल्डिंग के काम खत्म हो गए। ठीक है ठीक है। तो बस अभी जो आप निकलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, संडे का दिन है, थोड़ा आराम भी करना है जाकर। तो भाई ये देख सकते हैं ये हमारे इधर के रौनक है, वर्कशॉप की साइड की जो है हमारी रौनक खड़ी है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। हाँ ये बेचारा ना बोल सकता है ना सुन सकता है, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे साथ आकर शुगर मेरा करता रहता है। नाज़रीन को दिखाओ ना, करीब लाके दिखाओ ना इसको, वो देखो अजूबा दुनिया का है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप का विजिट करवाने के बाद आपको अब हम निकल चुके हैं वर्कशॉप से अपने घर की तरफ, ठीक है। क्योंकि गर्मी आज जो है कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है एंड के रमजानों में, ठीक है। 2 दिन बाकी रह गए ईद के अंदर, गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है कि बस आपको क्या बताएं। तो उम्मीद है आपको वर्कशॉप की जो है हमारी डेंटिंग की जो वर्कशॉप है उधर की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने कोई गाड़ी अपनी रेडी करवानी है, चाहे वो इंजन की मॉडिफिकेशन से हो या गाड़ी की बॉडी की मॉडिफिकेशन से हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, वहां पर आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।